मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक है पहिए की खोज पहिए की खोज का इतिहास लगभग छह हजार वर्ष पुराना बताया जाता है इसकी शुरुआत होती है पेड़ों के तनों को काटकर बनाई गई गोल डिस्क से आगे चलकर इसके सेंट्रल पार्ट को खोखला बनाया गया जिससे यह वजन में हल्का हो गया इसको मजबूती देने के लिए इसके बाहरी भाग पर लोहे की रिंग भी चढ़ाई गई ये पहिए बैलगाड़ियों में देखे जा सकते हैं आगे चल के लोहे के पहियों का प्रयोग किया गया लोहे के पहिए आज भी रेलगाड़ियों में प्रयोग किए जा रहे हैं ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में रबर के बने टायरों का आविष्कार के के आविष्कार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खोज कही जा सकती है इसका श्रेय दिया जाता है रॉबर्ट विलियम थॉमसन को जो कि एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे इन्होंने सन 1846 में पहले न्यूमेटिक टायर का पेटेंट कराया इसके बाद सन 1888 में जॉन बॉयड डल्लप के द्वारा पहले सफल और प्रायोगिक न्यूमेटिक टायर का पेटेंट कराया गया भारत में भी सन 1936 में डल्लप रबर लिमिटेड की स्थापना कलकत्ता में की गई वर्तमान में सभी प्रकार के ऑटोमोबाइल वाहनों टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स या अन्य वाहनों में मुख्य रूप से दो प्रकार के टायरों का प्रयोग किया जा रहा है ट्यूब वाले टायर एवं ट्यूबलेस टायर आज के वीडियो में हम इन्हीं दोनों के विषय में चर्चा करेंगे कि ट्यूब वाले टायर और ट्यूबलेस टायर क्या होते हैं इन दोनों की टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है इनके क्या फायदे और क्या नुकसान है और वीडियो के लास्ट में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि कौन से टायर बेहतर है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ट्यूब वाले टायर्स में व्हील की रिम के ऊपर टायर होता है इस रिम और टायर के बीच में एक ट्यूब होता है इस ट्यूब में ही हवा भरी जाती है ट्यूब में हवा भरने के लिए ट्यूब के साथ एक वॉल्व को जोड़ा जाता है ट्यूबलेस टायर्स में रिम एवं टायर के बीच अलग से ट्यूब नहीं होता हवा को सीधे रिम एवं टायर के बीच भरा जाता है इसके लिए टायर एवं रिम के बीच में एयर टाइट सील बनाई जाती है हवा भरने वाला वॉल्व इस प्रकार के टायर्स में सीधे रिम से ही जोड़ा जाता है यहां पर यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब होते ही नहीं है ट्यूबलेस टायर्स में ट्यूब होते हैं किंतु ये टायर की अंदर की सतह पर अच्छी तरह चिपके होते हैं वैसे तो ट्यूबलेस टायर्स के कई फायदे हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा तब देखने को मिलता है जब ये टायर पंचर होते हैं इसे हम एक बलून के उदाहरण से समझ सकते हैं यदि किसी बलून को किसी सुई से पंचर किया जाए तो उसकी सारी हवा तुरंत ही बाहर निकल जाती है ठीक ऐसा ही ट्यूब वाले टायर्स में होता है जब ये टायर पंचर होते हैं तो ट्यूब की सारी हवा तुरंत बाहर निकल जाती है एवं टायर फ्लैट हो जाते हैं ऐसी स्थिति में गाड़ी को आगे चलाना संभव नहीं हो पाता हमें या तो पंचर को ठीक करना होता है या फिर टायर बदलना होता है यदि आपकी गाड़ी हाई स्पीड में है और उस समय यदि यह टायर पंचर हो जाए तो गाड़ी अनकंट्रोल्ड हो जाती है और भयानक एक्सीडेंट भी हो सकता है अब यदि बलून बलून के के ऊपर टेप चिपका दिया जाए और इस को बाहर निकलेगी यही टेक्नोलॉजी ट्यूबलेस टायर्स में प्रयोग की जाती है ट्यूबलेस टायर्स में टायर के अंदर ट्यूब को अच्छी तरह से चिपकाया जाता है जिससे यदि ये, ये टायर पंचर होते हैं तो इनकी हवा एकदम से बाहर नहीं निकलती एवं धीरे धीरे बाहर निकलती है इसका लाभ यह होता है कि इससे गाड़ी एकदम नियंत्रण नहीं खोती जिससे एक्सीडेंट्स होने की संभावना कम हो जाती है साथ ही ड्राइवर को कुछ समय भी मिल जाता है कि वो मैकेनिक की शॉप तक जा सके और पंचर को ठीक करवा सके आइए अब बात करते हैं ट्यूब वाले टायर्स की कुछ कमियों के बारे में पहली कमी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि ट्यूब वाले टायर्स के पंचर होने पर इनकी हवा एकदम से बाहर निकल जाती है जिससे टायर फ्लैट हो जाता है और एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है। दूसरा यह है कि ट्यूब वाले टायर्स में ट्यूब को टायर के अंदर हमेशा सही प्रकार से फिट रहना चाहिए यदि यह ट्यूब टायर के साइज से थोड़ा बड़ा है तो यह टायर के अंदर फोल्ड हो जाएगा और समय से पहले फेल हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा यदि ट्यूब टायर से छोटा है तो यह हवा भरने पर ओवर स्ट्रेस्ड होगा और जल्दी से फट जाएगा इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ट्यूब वाले टायर्स में सही साइज के ट्यूब का प्रयोग किया जाए एवं इन टायर्स में हमेशा सही प्रेशर पर हवा भरी जाए ट्यूब वाले टायर्स में ट्यूब एवं टायर्स के बीच घिसावट से फ्रिक्शन भी उत्पन्न होता है इस फ्रिक्शन से हीट उत्पन्न होती है जिससे ये टायर ओवर हीट हो जाते हैं ट्यूब एवं टायर के बीच में धूल मिट्टी या अन्य गंदगी आने की संभावना भी रहती है, जिससे ये ट्यूब जल्दी से खराब हो जाते हैं ट्यूब वाले टायर्स की ड्यूरेबिलिटी कम होती है एवं अन ईवन प्रेशर के कारण कार बबल भी कर सकती है इन कमियों के साथ ट्यूब वाले टायर्स के कुछ फायदे भी हैं जैसे इनकी कीमत कम होती है इनके पंचर रिपेयर करने वाले कहीं भी सरलता से मिल जाते हैं ये टायर सॉफ्ट रबर के बने होते हैं जिनकी रोड पर ग्रिप अच्छी होती है। ट्यूबलेस की जैसा कि हमने चर्चा की ट्यूबलेस टायर्स में टायर के अंदर की सतह पर ट्यूब को चिपकाया जाता है ऐसा होने से पंचर होने पर इनके अंदर की हवा एकदम से बाहर नहीं निकलती और टायर एकदम से फ्लैट नहीं होता जिससे गाड़ी नियंत्रित रहती है और एक्सीडेंट्स होने की संभावना कम हो जाती है इसके साथ ही ट्यूबलेस टायर्स में टायर के अंदर हवा का प्रेशर एक समान डिस्ट्रीब्यूट रहता है ये टायर ड्यूरेबल होते हैं ये टायर वजन में हल्के होने से फ्यूल इफिशियंसी अच्छी मिलती है हाई स्पीड पर ये टायर्स अधिक स्टेबल होते हैं इसके साथ ही इन टायर्स के अंदर भरी हुई हवा का संपर्क सीधे रिम से होता है जिससे टायरों की गर्मी का स्थानांतरण रिम के माध्यम से वातावरण में हो जाता है एवं ये टायर ओवरहीट नहीं हो पाते आपके पास जो गाड़ी है उसमें कौन से टायर प्रयोग हो रहे हैं यह वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं साथ ही आप यह भी बताएं कि कौन से टायर आपको बेहतर लगे तो यह कुछ बेसिक जानकारी थी ट्यूब वाले टायर्स और ट्यूबलेस टायर्स के बारे में वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करके शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ जय हिंद